पूरे देश में कोरोना को लेकर संकट बना हुआ है। इसी संकट के बीच जयपुर में गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल देखने को मिली। घटना भट्टा बस्ती थाना इलाके के बजरंग नगर की है, जब कैंसर पीड़ित एक युवक राजेंद्र की देर रात मौत हो गई थी। राजेंद्र के घर में उसके चाचा, पत्नी और एक बहन मौजूद थी। इस संकट के समय राजेंद्र की अर्थी को कंधा देने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। इस अवसर पर मुस्लिम समाज ने भाईचारे की भावना को निभाते हुए राजेंद्र की अर्थी को कंधा दिया। यहां तक कि मुस्लिम भाइयों ने दाह संस्कार कराने में अपना योगदान दिया। खास बात यह है कि अंतिम यात्रा के दौरान मुस्लिम भाइयों ने राम नाम सत्य है का उच्चारण भी किया। घटना को देख पूरी कॉलोनी में मौजूद लोग गंगा जमुनी तहजीब का बखान करते नजर आए। राजेंद्र बागरी था और ये लंबे समय से करीब कैंसर का मरीज था। और ये जो है बजरंग नगर है, हमारे यहाँ भट्टा बस्ती में बजरंग नगर, न्यू संजय नगर, यहाँ के रहने वाले थे। और इनके आस पड़ोस में इनके परिजन रिश्तेदार कोई थे नहीं, इसलिए आज ये हम सब ने मिल करके इनका जो है देह संस्कार के लिए बंदोबस्त किया और इनकी अंतिम संस्कार तक हमने इनका कार्यक्रम करने का पूरा सबने मिलकर, हमारी टीम ने, बस्ती वालों ने, सबने मिलकर ये पूरा बंदोबस्त किया। और हमें बड़ा इस चीज़ से सुकून मिला कि आज जो हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में जो लोग लगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान को लड़वाने में जो लगे हुए हैं, उनके मुँह पर ये तमाचा होगा, ऐसा हमें लगता है कि उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि आज भी मतलब ऐसे काम हमारे देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे काम करने वाले हैं जो जात पात नहीं देखते और जात पात से हटके मानवता और इंसानियत को देख के काम करते हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे न्यूज हेड नीरज मेहरा जी। नीरज जी, एक अनूठी मिसाल पेश की है, मुस्लिम समाज के भाइयों ने कंधा दिया है अर्थी को और राम नाम सत्य का उच्चारण भी किया है, एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह से अभी इस समय एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह का भावनाएं एक भड़काने का काम चल रहा था देश में, और उस दौरान शास्त्री नगर जयपुर जैसे इलाके में जब हिंदू व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसको कंधा देने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं रहता है, दूसरे परिवार हिंदू परिवार वहां नहीं होने के कारण, क्योंकि उसकी पत्नी और बहन थी, दोनों ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शमशान में जा नहीं सकते। इसके चलते जब मुस्लिम पड़ोसियों को पता लगा कि ऐसा हुआ है तो तमाम जो आस पड़ोसी थे उन्होंने तय किया कि हम लोग हिंदू भाई को कंधा भी देंगे और शमशान घाट में ले जाकर दाह संस्कार भी करेंगे। और देखने को मिला, आपने देखा भी है, बाकायदा सभी जो मुस्लिम भाई है वो बारी बारी से जो है कंधा दे रहे हैं अर्थी को, राम नाम सत्य का उच्चारण कर रहे हैं और शमशान घाट में दाह संस्कार भी करते हैं। ये तमाम लोगों पर एक तमाचा है जो कई बार धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, क्योंकि जो है अपराधी किसी भी असामाजिक तत्व किसी भी समाज में किसी वर्ग में हो सकते हैं, लेकिन पूरी कौम को या पूरी वर्ग को या किसी जाति को कभी भी उस निशाने पर टारगेट लेना गलत रहता है। कहीं ना कहीं ये मानवता का संदेश देने वाली तस्वीर सामने आई है इस वक्त जो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये तस्वीर इस बात का संकेत देती है कि भले ही कुछ लोग जो है भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हो, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हो, तमाम तरह की बातें फैलाने की बात करती हो, लेकिन हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है वो अभी भी जिंदा है। जब भी अगर हिंदू पे संकट आता है तो मुस्लिम उसके साथ खड़ा मिलेगा, जब मुस्लिम पर संकट आता है तो हिंदू उसके साथ खड़ा मिलता है, और कोई धर्म वाला या कोई और समाज वाला इस तरह संकट में आता है तो तमाम तरह के लोग तमाम तरह के मतभेदों को छोड़कर बुलाकर सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर इस समय जो कोरोना वायरस का संकट चल रहा है पूरे देश में, इस समय इसको लेकर चिंता की जा रही है। और इस बीच जिस तरह दो वर्गों के बीच की एक खाई बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं ये तस्वीर सुकून देने वाली है और दुनिया को संदेश देने वाली है कि भले ही कुछ लोग आपस में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ाने का प्रयास करें, लेकिन हकीकत देखी जाए तो यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है जहाँ पर हम लोग अलग अलग जाति धर्म के होते हुए भी एक है। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे न्यूज हेड नीरज मेहरा जी, जिन्होंने पूरी अपडेट दी किस प्रकार से एक अलग ही
मिसाल पेश की गई है मुस्लिम भाइयों के द्वारा।